नमस्ते ड्रम, 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 ओह वेलकम। गांधी आश्रम मेरे साथ है संकल्प ब्रो, हर्षिल ही इज फर्स्ट टाइम इन व्लॉग्स एंड निशान ब्रो ही इज फर्स्ट टाइम इन व्लॉग्स। तो अभी हम लोग क्या ऑल्सो बहुत कम आते हैं निशान भाई, ये बहुत कम आते हैं, वेरी वेरी वेरी, बट इतनी कृपा करो हमारे ऊपर, आपके दर्शन दे दिया करो सर। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स गांधी आश्रम और आप देख सकते हो कि गजब की प्रिपरेशन चल रही हैं। यहाँ पे ये जो रेलिंग्स लगी हैं यहाँ पे लोग आके खड़े रहेंगे और उनको आधार कार्ड देना कंपलसरी है, बिना आधार कार्ड के किसी को खड़ा रहने तक की ये परमिशन नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 3 घंटे का वेटिंग टाइम है, यहाँ से ट्रम्प जाने वाले हैं, ट्रम्प और मोदी साहब की गाड़ी यहाँ से जाएगी। तो अगर आपको देखना है उन्हें, सपोजिंगली अगर आपको देखना भी है ना, तो आपको 3 आवर्स वेट करना पड़ेगा, अराउंड 3 आवर्स। सो इट्स गोना बी क्रेजी क्रेजी डे एंड गजब की प्रिपरेशन चल रही है। अहमदाबाद में जहाँ पे रोड्स नहीं बनी हुई थी वहाँ पे भी रोड्स का काम चल रहा है, इतनी रात को मतलब 2 दिन में आने वाले हैं और अभी रोड्स नहीं बनी है और रोड्स का काम भी चल रहा है। सो ये सो गाइज राइट नाउ वी जस्ट रीच्ड गांधी आश्रम, अभी हमारे पीछे है गांधी आश्रम। अभी आप देख सकते हो कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, क्यों हर्षिल क्या बोलते हो? इतना अहमदाबाद क्लीन मैंने आज तक नहीं देखा है और हमने इतना क्लीन अहमदाबाद सही में लिटरली कहीं नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा जितना अभी दिख रहा है। एंड आप देख सकते हो कि अभी भी वो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है पीछे। स्वच्छता अभियान से याद आया, आज तक हमने इतने डस्टबिन पूरे 5 मीटर के सर्कल में नहीं देखे होंगे जितने आज हम लोग ने देखे, 2 ये और बाकी के 2 निशान भाई के पीछे वहां पे। चांदखेड़ा चले, हाँ अब चांदखेड़ा भी जाके पता चलेगा कि 2 की जगह 4 और चारों चार 8 डस्टबिन दिखाते हैं वहां पे, 4 चार। तो गाइस राइट नाउ अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो कि कितने जोरों शोरों से काम चल रहा है, यहाँ पे कुछ रोड टूटी उटी हुई है और एकदम स्टेबल नहीं है, तो ये लोग रातों रात रोड बना रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जो मैं अभी आपको बताने जाने वाला हूँ जहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे अभी रोड नहीं बने हैं और वहाँ से ट्रम्प और मोदी जी की गाड़ी गुजरने वाली है, तो वो भी रोड बन रहे हैं। सो यार लेट्स गो। सो गाइज राइट नाउ अभी हम आए हैं रिवर फ्रंट, एंड रिवर फ्रंट को अगर आप देखो तो क्या खूबसूरत लग रहा है। जैसे आप पीछे देख सकते हो ये है ददीची ऋषि ब्रिज, और यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो ये है सुभाष ब्रिज। ये ब्रिज इतने गंदे हुआ करते थे मतलब इतना खूबसूरत दिखते नहीं थे, और अभी अगर आप देखो तो एकदम दुल्हन की तरह इनको सजा दिया है। स्ट्रीट लैम्प्स भी ठीक से रिपेयर नहीं थे आज वहाँ पे, लाइट लिटरली मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पे जो स्ट्रीट लैम्प्स है ना वो भी काम आधे नहीं करते थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, ऐसा सिचुएशन था। और अभी देखो तो ओ माय गॉड गजब दिख रहे हैं। लेकिन भाई ट्रम्प के आने वजह से कुछ हुआ हो 100 करोड़ का खर्चा हुआ है, देखो पूरा अहमदाबाद में 100 करोड़ का खर्चा हुआ है, कुछ हुआ हो ना हुआ हो लेकिन भाई लग अच्छा रहा है, कुछ भी बोलो एकदम दुल्हन की तरह सजा के रख, दुल्हन की तरह। सो गाइज राइट नाउ वी आर एट आवर फाइनल डेस्टिनेशन, नॉट फाइनल डेस्टिनेशन अभी भी जाएंगे, लेकिन मेन डेस्टिनेशन जो अहमदाबाद में है जिसकी वजह से ट्रम्प आने वाले हैं वो है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। सो इसके बारे में बताएंगे आपको मिस्टर हर्षिल दिसानी, इनको बहुत नॉलेज है इसकी। सो बताओ ब्रो, स्टेडियम की कैपेसिटी है 1 लाख करोड़, नहीं भाई स्टेडियम की कैपेसिटी है वन लैख टेन थाउजेंड की, हाँ, और इधर आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प एंड हिज फैमिली आल्सो। सो इस स्टेडियम के पहले जो सबसे बड़ा स्टेडियम था पूरे वर्ल्ड में वो था MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड,
राइट्स के बारे में निशान भाई आपको ज्यादा उसके बारे में बताएंगे आपको। एमसीजी कितनी बार गए मेलबर्न भाई? साढ़े बारह भी नहीं पौने एक बज गए और यहाँ पे इतना ट्रैफिक है, इतनी भीड़ है, मतलब ये स्टेडियम के आगे इतनी भीड़ है। यू कैन सी दिस, मोर देन 200-300 लोग हैं और पुलिस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और यहाँ पे किसी को खड़े रहने दे नहीं रहे इजीली। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये इतनी सारी पुलिस है, होमगार्ड्स हैं, बम स्क्वाड है, साइबर सिक्योरिटी भी है, तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो जिनको एंट्री है वो उन्हीं लोगों को एंट्री जिनके पास पास है, बिना पास के एंट्री भी नहीं है। एंड दिस स्टेडियम इज़ लुकिंग गॉर्जियस, बहुत गजब लग रहा है स्टेडियम। तो थोड़ा देखते हैं कि कितना ट्रैफिक है। यहाँ पे तो लोग खड़े ही हैं, उसके आगे उस तरफ भी लोग बहुत सारे खड़े हैं। सो होपफुली वर्ल्ड 11 का जब मैच होगा, वर्ल्ड 11 वर्सेस एशिया 11, हम यहाँ पे आएंगे मैच देखने। राइट नाउ तो अभी एंट्री नहीं है, लेकिन वर्ल्ड 11 और एशिया 11 के मैच में आएंगे। देखो पुलिस वहाँ हर 10-15 मीटर पे आपको 4-4, 5-5 पुलिस वाले, उस कॉर्नर पे भी, उस चार रस्ते पे भी। यहाँ पे 10 है, उधर 10 है और आगे तो बहुत सारा खड़े है। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं मोटेरा स्टेडियम के रोड पे एंड आप पीछे देख सकते हो कि कितनी सिक्योरिटी, कितनी गजब वाली सिक्योरिटी है। हर नाके पे, हर 50-50, 40-40 मीटर पे पुलिस वाले खड़े हैं और यहाँ पे इतना गजब सिक्योरिटी है, मतलब एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मतलब ऐसी सिक्योरिटी है गजब वाली। एंड ये देखो, यू कैन सी ट्रैफिक भी बहुत जाम है, लेकिन स्टिल क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान, स्ट्रॉन्ग इंसान आने वाला है, सो होनी चाहिए इतनी सिक्योरिटीज। तो राइट नाउ अभी हम आ गए हैं मोटेरा स्टेडियम के रोड पे। अब ये रोड पे खास बात ये है, पार्किंग अगर आप देखो तो आधे से एक किलोमीटर तक की पार्किंग है जो सिर्फ पुलिस वालों ने की है और उसके बाद जाके जनरल लोगों की पार्किंग है। तो हमने बहुत दूर गाड़ी खड़ी की है मोटेरा स्टेडियम से, सो इट्स वेरी क्रेजी क्योंकि बिल्कुल पार्किंग की स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है और जहाँ पे भी स्पेस है वहाँ पे सारी गाड़ी पैक हो गई। और जबकि आज के दिन अगर आप देख सकते हो, अगर आज के दिन भी देख आज का दिन अगर आप देखने जाओ तो आज के दिन तो बिल्कुल पार्किंग नहीं है। तो सोचो आज तो इवेंट भी नहीं है, इवेंट है कल के दिन। सो इट्स गोना बी वेरी क्रेजी एंड कल के लिए हम लोग टिकट्स अरेंज कर रहे हैं, कहीं से टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं अगर हो जाए तो। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि मैक्सिमम लोग, जो लोग मोटर स्टेडियम के उसमें है, कमिटी में है, उन लोगों ने बैचेस और पासिस लगा के रखे हैं क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है और मोर देन 30,000-50,000 पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिस कर्मचारी हैं जिन लोगों ने यहाँ पे अपना सहयोग दिया, योगदान दिया है सिक्योरिटी के लिए। तो ये लेट्स गो टू मोटेरा स्टेडियम। सो गाइस राइट नाउ अभी हम स्टेडियम के आगे आ गए हैं वापस से। गेट नंबर 3 जो था टूट गया था एक्चुअली में, वो गेट नंबर 3 टूटा है कि नहीं वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो पोस्टर्स हैं वो नए लग रहे हैं क्योंकि आई थिंक एयर प्रेशर की वजह से पोस्टर थोड़े फट गए थे। एंड यहाँ पे पूरा मीडिया आ चुका है, यू कैन सी मीडिया ने लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी हम मीडिया से तो है नहीं, हम सोशल मीडिया से हैं तो हम इंटरव्यू लेंगे नहीं, लेकिन बाकी जो क्राउड का जो रिस्पॉन्स है बहुत गजब है और सिक्योरिटी आप देख सकते हो हर एक नाके पे, हर एक गली पे बहुत ज़बरदस्त वाली पुलिस सिक्योरिटी है जस्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। पूरे अहमदाबाद में 50,000 से ज़्यादा पुलिस वाले हैं जो मतलब सिक्योरिटी दे रहे हैं। सो इट्स गोना बी वेरी क्रेजी कल का दिन। सो खत्म करते हैं आज का व्लॉग एंड इफ यू लाइक द व्लॉग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो वेरी मच और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग।